यार वो पीछे वो चौकी नजर आ रही है, वो चौकी पे बाजी वो चौकी नजर आ रही है। और इस टाइम जो है हम ऐसी जगह पे खड़े हुए इंडिया के, आई मीन ये बिल्कुल हमारे सामने इंडिया है। आई मीन आई कांट इमेजिन। चलो हम लोगों ने बोला था ना हम आएंगे, अभी हम आपको दिखा दें। हम अभी कितने इंडियन फ्लैग भी यहाँ से दिखाई दे रहा है, इंडियन फ्लैग भी नजर आ रहा है। अच्छा ये अब हम खड़े हैं, ये बीच में बस दरिया है जो कि एक बाउंड्री है और दूसरी साइड में जो है इंडिया है। और वो फ्लैग भी दिखा, ये कहाँ गया इंडियन फ्लैग, ये रहा इंडियन फ्लैग। बहुत खूबसूरत है, इतनी खुशी हो रही है ना, खूबसूरत व्यू है, बहुत 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 खूबसूरत पत्थर दिखाए पत्थर यार, ये देखो पत्थर देखे पाकिस्तानी, पाकिस्तानी यहाँ पे आके पत्थर पे भी ढुल गए, इतना खूबसूरत पत्थर है। इतनी एक्साइटेड, और बाकी हम यहाँ पे पहले ऐसे 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 चले चले। Guys, मैं इतनी एक्साइटेड हूँ, इतनी एक्साइटेड, इवन के सारे घर वाले इतने एक्साइटेड हैं। और मेरी भाभी ये बोल रही हैं कि क्या हम किसी को, हमें यहाँ पर कोई नजर नहीं आएगा जिसको हम बाय बाय कर सके। सही बात है, कोई नजर नहीं आ रहा, मेरा दिल कर रहा कोई घर से बाहर निकले हमें देखे और हम इसको हाय करें। वैसे ही बात है, बहुत यहाँ पर मजा आ रहा है, इतने घर है यहाँ पे, एक तरह का पूरा छोटा कस्बा जो है यहाँ पे बसा हुआ है। और मुझे इतना पता नहीं, मैं अपनी एक्साइटमेंट ना शब्दों में और लफ्जों में बयान नहीं कर सकती। प्लीज हमें हेलो हाय करें। हाँ कैसा लग रहा है? इतनी एक्साइटेड हूँ, इतनी एक्साइटेड हूँ। स्पेशल यहाँ पे हमने गाड़ी रुकवाई है। अच्छा सबसे पहले पीछे एक चौकी आई थी, वो मैंने देखा था, वहाँ पे इंडियन फ्लैग लगा हुआ था। अब जो है यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पे मैंने ही देखा, एलओसी का ब्रेक लगा हुआ। अच्छा जाने देंगे वहाँ पे? नहीं ऊपर से देखना है यार। अच्छा ब्रिज ब्रिज देखने देंगे, वो वीडियो भी बनाने देंगे। हाँ वीडियो कितने पीछे है, ये वो लड़का खड़ा है, ये झंडा लगा। चलो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं जहाँ पर एलओसी का ब्रिज है, वहाँ पर जाएंगे। और आई एम सुपर एक्साइटेड उस ब्रिज पे, बस जाने नहीं देते कि जाने देते तो हम लोग जरूर मिलने आते थे। और मौसम दरिया बहुत खूबसूरत है, इस तरह के नज़ारे मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखे। इस तरह के नज़ारे देख के लगता है कि काश दोनों मुल्कों के हालात अच्छे होते। कसम से यार, ये जैसे ब्रिज बना हुआ है, इधर से उधर आराम से जाओ, उधर से इधर आते, कितना मजा आता ना, विजिट कर लेते। क्या आते आते हैं? देखो पागल सारे भागते हुए आ रहे जी? तो लोग एक दूसरे को देखते हैं यहाँ पे, वो देखिए ऊपर बाढ़ की लगी हुई है, बाढ़ हाँ वो एलओसी लगी है, ये रात को लाइट ही चल रही है। ये देखे कहा इतने अरीबा, इतने सारे पत्थर दिख रहे हैं, सारे काफी ज्यादा शाइन कर रहे हैं। मैं सर आज फ्रेंड को दूंगी, फ्रेंड्स को दोगी कश्मीर के पत्थर? वाव अभी हम ऊपर जा रहे हैं, कोई शॉपिंग बैग नहीं है, चलो आ जाओ। ओके अच्छा इस साइड में पाकिस्तानी फ्लैग लगा हुआ है। हाँ वाव मौसम, ये है एलओसी, बस इसको क्रॉस करके इंडिया तक पहुंचना होता है। और ये है दरिया, वो जबरदस्त यार, कसम से इनको देखकर मुंह से ऑटोमेटिक ही निकलता है सुभान अल्लाह, इतना खूबसूरत व्यू है। यार लोग बाहर क्यों नहीं निकलते, मेरा दिल कर रहा है लोग बाहर निकले, हम उनको हेलो हाय बोल। कहाँ है लोग? वो तो आर्मी वाले लोग है ना, आम लोग आगे के साथ ही ना। वहाँ पर वो देखो इंडियन फ्लैग है, ठीक है वो मैं उधर से बनाऊंगी ना। हाँ
बहुत मतलब वहां तक वो देखो जा रहा है स्कॉर्पियो, वो क्या नाम लेते हैं वो महिंद्रा खड़ी हुई है कहां वो महिंद्रा महिंद्रा स्कॉर्पियो और थोड़ा सा जूम इन करके दिखा, ब्रिज तो बंद हुए है ना यार, ये महिंद्रा स्कॉर्पियो खड़ा हुआ है, देख रहे दूर से पहचान लिया हमने, अरे वो मेहरान भी खड़ी हुई है और वो सेंट्रो भी खड़ी हुई है, मतलब तेरे सारी गाड़ी को पता चल गया, और वो ट्रैक्टर भी खड़ा हुआ है यार, अच्छा वो लोग खाओगे, वो देखो लोग आ रहे हैं, हम क्यों नहीं जा सकते इस वाइल्ड लिकी तक आए हैं बस, तो लोग वहाँ पर एक दूसरे को देख सकते हैं इस वाइल्ड लिकी, हाँ जी आएंगे, ये वाइट से पार वो इधर से हम अगर जाएंगे इस वाइट लिकी के पास जाएंगे वो देखो वो क्रॉस उससे आगे, अच्छा अच्छा वाइट लिकी ये ये ब्रिज के सेंटर में, यहाँ से नीचे जाने का रास्ता क्या है, मौसम नीचे चले यहाँ से आप जाएंगे सर उस बस से तो हम नहीं ब्रिज तक जा सकते, तो वो क्या आते हैं वो ऑफिसर भाई ब्रिज वो भी नहीं, अच्छा वो ऑफिसर की फैमिली होगी, आम लोग नहीं जाते वो वाइट लाइन तक आएंगे ना, बस वही मैं कह रही हूँ उसको कैप्चर करो, कर रही हूँ, अरे देख लो ऊपर हम आपको हेलो हाय बोल दें, अच्छा उधर से अब इधर ऐसे मौसम आ गया, वहाँ तक ही आया सावा जी, वहाँ तक ही आया, तो आम लोग ऐसे आमने सामने एक दूसरे को मिलते हैं जैसे घरों के लोग, ये दरिया पे आप जा सकते हैं, दरिया पे आपके लिए कोई रुकावट, अच्छा वहाँ पे रुकावट नहीं है, life is a winding road, no telling where it goes, driving through days and nights, won't stop for traffic lights, and I really wanna know, really wanna know, if I will ever figure out where the road goes. Oh ho, मेरी भाभी का पोस्टर देखी क्या फसल हवा के साथ लहरा रही है, तो बस इसका पानी का खामोशी हो ना 2 मिनट की, सीरियसली यार वक्त आ गया था यहाँ से जाने का, यकीन माने दिल बिल्कुल भी नहीं था कि यहाँ से जाएं, लेकिन जाना तो था, ये वादियाँ इस कदर खूबसूरत हैं कि बस दिल करता है कि इनको देखते रहें, आई नो मैं बहुत एक्सप्रेसिव हूँ बट ये नज़ारे इस कदर दिलकश हैं कि नज़र ही नहीं हटती, इन फ़िज़ाओं में एक अजीब सा अपनापन है कि कभी ना मिलके भी मिलने की एक चाह रहती है, पहाड़ इस कदर खूबसूरत हैं कि ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि किसकी खूबसूरती ज़्यादा है और किसकी कम, ख़त्म होने वाला खूबसूरत नज़ारों का सिलसिला आपको ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि ये वो नज़ारे हैं जिन्हें आप छू नहीं सकते, लेकिन इन सब को अपने अंदर महसूस ज़रूर कर सकते हैं और इन्हीं लम्हों को हमेशा के लिए अपने अंदर कैद कर सकते हैं। ऊंचे नीचे
मुझे रास्तों पे ना जाने क्यों बस चलते जाने का मन करता है। ऐसा लगता है ऊपर वाले ने बहुत फुर्सत से इस जगह को बनाया है। ये पहाड़, ये दरिया, ये रास्ते और इन रास्तों पर चलने वाले लोग पता नहीं क्यों लेकिन सब अपने अपने लगते हैं। इन सब के बीच में एक बात जो मैं कहना चाहती हूँ वो ये कि वैसे तो सारे रास्ते में पहाड़ बहुत खूबसूरत थे लेकिन एक चोटी ऐसी थी जिस पे मेरी नज़र बार बार पड़ती, पता नहीं क्यों लेकिन वो सबसे डिफरेंट दिख रही थी। मैं इस चोटी को मार्क भी कर दूंगी ताकि आप लोग भी देख पाओ। शायद कैमरा उसकी खूबसूरती और रोक को उस तरह से कैप्चर ना कर पाए जैसे कि मैं रियल में देख पा रही थी, लेकिन हकीकत में वो सबसे मुख्तलिफ थी। खैर आज का व्लॉग इतना ही है, अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और नेक्स्ट व्लॉग के लिए हमारा इंतज़ार करना। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। गुड बाय।